हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे स्थान पे लेके जा रहा हूँ जिस स्थान ने मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन लाए, और उस स्थान के कारण जो भी आज मैं हूँ वो स्थान के कारण ही हूँ। आज मैं लेके चल रहा हूँ आपके अपने कॉलेज पर, तलना है, और अभी मैं वहीं से बीएड कर रहा हूँ। मेरा सेकेंड ईयर है, द्वितीय वर्ष है मेरा बीएड का, और मेरे घर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मेरा कॉलेज है। अभी मैं मुश्किल से 5 मिनट और लगेगा मुझे पहुंचने में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं बंदे पर जा रहा हूँ, और कुछ ही दूरी पे कॉलेज भी है और संत कबीर एकेडमी भी है। तो अभी मैं आपको, आज ये वीडियो मेरी 2 पार्ट में आएगी। पहले मैं जहाँ पढ़ता हूँ वो वीडियो दिखाऊँगा, वहाँ के कॉलेज को दिखाऊँगा, और फिर जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वो भी आपको दिखाऊँगा। फिलहाल पहले हम पढ़ने वाली स्थिति को देखते हैं कि अब यहाँ की खास बात है, मेरे कॉलेज की 2 खास बात है। पहला, तो इसके लिए कोई लैंडमार्क की आवश्यकता नहीं है, आप केवल एक लैंडमार्क याद कर सकते हैं कि मगहर रेलवे स्टेशन। और दूसरी बात यह है कि आप ये भी जान लें कि ये कॉलेज मेरे फूफा जी का है। तो ये दोनों खास बातें हैं इस कॉलेज की। पहले तो आप सामने देख रहे होंगे, कुछ दूरी पर अभी मैं पहुँचता हूँ तो दिखाता हूँ आपको, सामने रेलवे स्टेशन दिखेगा। सबसे पहले मैं रेलवे स्टेशन आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आप कभी भी आना चाहें तो डायरेक्ट आप रेलवे स्टेशन से उतर करके और कॉलेज पर आ सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं। अभी कॉलेज के बारे में सारी जानकारी नहीं दूँगा, फिलहाल मैं स्टेशन को दिखा दूँगा आपको कहाँ पर है, और कॉलेज आप देख रहे हैं यहाँ पर है, ये है कॉलेज। अभी मैं यहाँ चलता हूँ, इससे पहले कि मैं आपको स्टेशन दिखा दूँ, ये है रेलवे स्टेशन। मगहर के बारे में जानकारी मैंने वीडियो बनाई है, इसमें आप जाकर देख सकते हैं कि मगहर क्यों प्रसिद्ध है। ये रहा मगहर रेलवे स्टेशन, यहाँ पे कबीर जी के दोहे लिखे हुए हैं, ये देखिए। बाकी कभी इस स्टेशन के अंदर जाके अच्छे से विश्लेषण करूँगा। फिलहाल मैं इस चक्र को, ये बीच में जो पार्क बना है, इसको घूमते हुए फिर से कॉलेज पर जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं हमारा कॉलेज, और अब मैं आपको बताऊंगा कॉलेज का नाम और सारी बाकी जानकारी। ये रहा कॉलेज हमारा, संत कबीर विद्यापीठ महाविद्यालय, या संत कबीर, ये कॉलेज है हमारा संत कबीर विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे कॉलेज में हैं।
तो चलिए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ और देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको टॉयलेट है, टॉयलेट है, जेंट्स है। हैंडीकैप लोगों के लिए तैयार हो रही है। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा फ्रंट है कॉलेज का और यहाँ पे ये HOD का ऑफिस है और ये जो है दूसरे HOD बैठते हैं। यहाँ पे दो HOD हैं, एक BTC डिपार्टमेंट के हैं DLED और एक BA डिपार्टमेंट के हैं। और ये देखिए यहाँ का बैक साइड कहें या कॉलेज का लेफ्ट साइड, बैक साइड ही कहेंगे। और ये सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको दिखा रहा था वो ये है, ये आपका देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ट्रेन जा रही है, सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पर ये है कि ईजिली आप यहाँ से आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं यहाँ पर। और देखिए आप यहाँ पर बहुत सारे रूम हैं, अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं और ले के यहाँ पर अगर रहना चाहते हैं तो आप होटल की सॉरी हॉस्टल की भी फैसिलिटी है यहाँ पर। ये देखिए सारे रूम्स वगैरह है पूरा पीछे सब कुछ है। अभी मैं नीचे भी ले चलूँगा, आपको दिखाऊँगा किस प्रकार से। नीचे जाने से पहले हम लोग चलेंगे ऊपर और ऊपर से देखेंगे। हम एक और रूम दिखाते हैं आपको जो कि सारे फंक्शंस वगैरह वहीं पर होते हैं, तो वहाँ पर चलते हैं। ये तो लॉक है और अभी मुझे मल्टीपर्पज हॉल है और फिर मुझे नीचे जाना पड़ेगा। एक हॉल है लेकिन 3 दरवाजे हैं यहाँ पे। अभी इस समय यहाँ पे मैं पूरा व्यू दिखा कर नहीं पाऊँगा, बट आई एम ट्राइंग टू शो यू, मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। दिखाई दे रहा होगा आपको, कुछ दिन पहले यहाँ पे सेलफोन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था जो गवर्नमेंट का स्कीम है। यहाँ पे विधायक आए थे, यहाँ पे MLA यहाँ के कॉलेज का, कि ये जो आपको स्कूल दिख रहा है यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, इसका भी सेकंड वीडियो आएगा। तो उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। ये देखिए मैं आपको ले चल रहा हूँ कॉलेज के फ्रंट व्यू पे, सामने का दृश्य जिस प्रकार से है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ नीचे। आपको मैं दिखा देता हूँ सरप्राइज, ये था पंडित राकेश मिश्र कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड मेडिकल साइंस। ये अभी मेरा यहाँ पे नया खुलने वाला है, ये अभी था नहीं। अभी मैं अभी यहाँ पे BA BSc BCom MA MSc है और शायद साथ ही साथ BEd और BTC भी है। तो यहाँ से आप आके कभी भी फर्स्ट नंबर पे अगर टाइम अगर आप यहाँ पे आप BA BSc BCom MA MSc और BEd BTC ये सब्जेक्ट्स ये आप ले सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ बाकी छोटे क्लास के लिए आप देख रहे हैं सामने जो आपको दिख रहा है वहाँ पे 1st to 12th
आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ का ब्लॉग मैं बनाऊँगा जल्द ही, पहले मैं यहाँ का कंप्लीट कर लूँ। जब भी बीएड का एडमिशन होता है तो आप फर्स्ट नंबर पे इस कॉलेज को लॉक कर सकते हैं। मैं इस कॉलेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कॉलेज की वेबसाइट, और उस वेबसाइट पे ही जाकर आप एडमिशन का अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो आप सभी लोग, जब भी आपको एडमिशन कराना हो, आप कहीं से भी हों, मोस्ट प्रोबेबली आप यूपी से हों तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप यहाँ पे आ करके एडमिशन करा सकते हैं। और छोटे क्लास के लिए, आप मतलब एकेडमी के लिए, आप सामने, आप मैंने आपको दिखाया है, वहाँ पर आ करके एडमिशन करा सकते हैं। बाकी वीडियो के लिए आप बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगी और जल्द ही आएगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि सबसे पहले तो अनुरोध ये है कि आप आइए और एडमिशन कराइए, और दूसरा अनुरोध है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बाकी जानकारी के लिए कॉलेज पर विज़िट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।